देखिए हम खुद खाते हैं, अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, पर जब आप किसी को खिलाते हो ना, उसका आनंद कुछ और होता है। अब मैं ये नहीं कह रही, जैसे देखिए आप सब खाए पिए आए हो घर से और आपके घरों में फ्रिज भरे पड़े, तो मैं अपने सत्संग के बाद खाना लंगर कराओ, मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो बल्कि कहती हूँ इन भूखा मारो इनको, थोड़ा खा खा के मोटे हो रखे, थोड़ा फास्ट करना चाहिए, राइट? दे जस्ट ईट फास्ट फास्ट, दे शुड बी फास्टिंग एक्चुअली मोर, एंड इट्स गुड फॉर द बॉडी। बट आई एम सेइंग अबाउट देर आर चिल्ड्रन, देर आर प्लेसेस, देर आर पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड, राइट? सो वेन एवर यू गेट एन चांस गो एंड सर्व देम, दे विल बी सो हैप्पी एंड द स्पार्कल विच यू विल सी इन देयर आईज इज प्राइसलेस। आप कितना बड़ा पार्टी दे दो, तुम्हारा रिश्तेदार फ्रेंड सामने से तो गप गप कहेगा, पीछे से कहेगा ये भी ठीक नहीं था, वो भी ठीक नहीं था, ये भी ठीक नहीं था, वो भी ठीक नहीं था, एंड दे विल से ऑल बैड थिंग्स अबाउट यू। एंड इफ एवरीथिंग इज गुड, दे विल से के ये बेईमानी का पैसा होगा इसके पास, हमारे पास तो नहीं है, दे विल स्टिल कर्स यू। इट्स बेटर यू शेयर योर मनी विद दोज हु रियली नीड इट, who really would appreciate it. I am just recalling, हम लोग महाराष्ट्र में बीड डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, भारत की खबर रखते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या करी महाराष्ट्र में। तो हमने वहाँ बीड डिस्ट्रिक्ट में कुछ 3 महीना रिसर्च कराई और पता चला कि करीब कोई 65 widows never received any aid from anybody. So I said, let's do something for them. Plus, I said that we better improve their schools. So I adopted 22 schools over there. We gave them e-education program. All these 22 schools got e-education program. So the computers and all whatever was required was given. We made 2 schools buildings. Then I said, sab kuch ho gaya, but how would I know? You know, I want to meet these people. I want to see these women. I want to meet these children. So then I went to Maharashtra, Bid. And we had a program in town hall. Aur maine kaha, sab mujhe milne aa rahe hai, to sabko bhojan hum karwayenge. To unke liye khane ka intezam karwaya. Ekdam gareeb mahilaen, अभी वो गुजारा कैसे करती हैं, वो रोड़ा तोड़ के ईटा, यू नो, वर्क साइट्स पे छोटा मोटा काम मिल गया तो वो ले लिया। वन गर्ल आई रिमेंबर, फर्स्ट हर फादर कमिटेड सुइसाइड, इन 3 मंथ्स हर मदर कमिटेड सुइसाइड, एंड नाउ शी इज लेफ्ट विद जस्ट 1 ग्रैंड फादर एंड 3 सिबलिंग्स, सो दे वर देयर। सो आई गॉट इन्फॉर्मेशन दैट some of the girls are walking 6 kilometers every day to go to school. Mind you, sardi, garmi, barish, 6 kilometer chal ke jana, aur road nahi hai, hai nahi sadak, kacche mein, khet mein, kaise kaise. To unhone pucha, kya hume cycle mil sakta hai? Wahan bilkul milega, to sabke liye cycles leke gaye. सो मैं वहाँ जब इन लड़कियों को बुलाया गया और उनको साइकिल दिए जा रहे थे, तो मैंने पूछा, भाई तुम्हें साइकिल चलाना भी आता है? तो उन्होंने कहा, हाँ आता है, मैं चुप चला के दिखा। तो स्टेज पे ही उसने साइकिल पे बैठी और चलाया। आई कांट इवन एक्सप्लेन द स्माइल्स एंड द लाफ्टर विच वॉज देयर कमिंग फ्रॉम दिस गर्ल हु गॉट अ न्यू साइकिल एंड नाउ she doesn't has to walk 6 kilometers every day to go to school. See, your kids have buses and cars to go to school, and yet they complain. And here they are walking 6 kilometers, but they are so ready to get education. Please do something in this sector. This is something which is really, really needed. Unfortunately, in certain sections, still the schools are expensive and some of the government schools are not giving very good education. But you know, the strange story is this, ke in schoolon mein, jab se e-education program aya,
तो लोगों ने प्राइवेट स्कूल से बच्चे हटा के गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिए क्योंकि उनके पास नहीं था और इनके पास था. दे लव्ड इट एंड दे ऑल वांटेड टू कम इन टू दिस गवर्नमेंट स्कूल. गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट बट स्टिल इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड हैज ह्यूज प्रॉब्लम्स. द वुमेन हुम आई मेट, you know, this one particular lady, maybe if you'll go to my Facebook or you might find that photo still there. So she was shivering literally on the stage. ऐसे कांप रही थी. मेरे सामने आते आते तो एकदम तो उसके हाथ यूं थे क्योंकि उसे ये नहीं समझ लग रही थी कि वो नमस्ते के लिए हाथ जोड़े या कि पैर छुए कि क्या करना है. उसे कुछ समझ नहीं आ रही और बोलती भी मराठी, मैं मराठी जानती नहीं. तो वो यूं यूं करती हुई आई और घबराहट के मारे हुआ ये कि मैं उसके करीब गई तो उसे लगा कि शायद मैं गले मिलूंगी, तो उसे चट से मुझे पकड़ लिया. और पकड़ा तो मैंने वापस उसकी पीठ थपथपाई तो आई तो आंख में आंसू है और घबराहट है. पर जैसे ही गले लगी, अब ये हमारे फोटोग्राफर ने फोटो ली हो तो उस समय वो हंस रही. शी इज देयर विद मी एंड शी इज यू नो हैविंग दिस स्माइल. आई कांट टेल यू जिन आंखों में आंसू, जो डिप्रेशन, निराशा, दुख, छोटे बच्चे, सास ससुर की बुढ़ापा, माने एवरीथिंग यू नो फिट फॉर अ सैड स्टोरी. सब कुछ उसके जीवन में गड़बड़ है और अचानक उसको ये मौका मिलता है और वो कैसे उस दृश्य को मैं बयान करूं, थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी कह पाना क्योंकि वो एक एहसास है. तो आप मुझे बताइए, आप भगवान के नाम पे मंदिरों, गुरुद्वारों, गोलकों में पैसे डालते हो, क्या कभी ऐसा दृश्य देखने को मिल सकता है तुम्हें? ये नहीं मिलेगा. बड़ी बड़ी इमारतें बना दो, उस पर सोना चढ़ावा दो, पर आम आदमी जो दुख से रो रहा है, अगर उसके दुख को दूर नहीं किया तो तुम्हारे सोने के मंदिर क्या कहते हैं फिर? क्या फायदा उसका? तो भगवान को तुम्हारा सोना नहीं चाहिए. तुम्हारे हृदय में प्रेम, भाव, दया, सेवा, क्षमा, मैत्री हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा. हम स्वार्थ से न जिए, हम दूसरों की सेवा करने का भी विचार रखें. हम खुद ही प्रसन्न हैं, आनंद में हैं, तो मेरा आनंद छलक के अपने आप दूसरों तक तो पहुंच ही जाएगा. तो रोज सुमिरन करो, रोज सुमिरन करो, ताका सुमिरन जो को करे ताकि दुविधा दूर करी. मतलब उसके जीवन में कोई दुविधा नहीं होती. दुविधा मतलब कंफ्यूजन नहीं होती जो सुमिरन करता है. क्यों? सुमिरन करने से आपके भीतर अंतर आत्मा की आवाज कहो, गुरु की आवाज कहो, परमात्मा की आवाज कहो आने लग जाती. नहीं तो ना, अभी जरा जरा सी बात पे मैं देखती हूँ बस कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन. ये करें नहीं करें, ये करें नहीं करें, ये करें नहीं करें, ये क्या करें, क्या करें, दूसरों से पूछता क्या करें, क्या करें. अस्मिरन तुम करने लग जाओ निरंतरता से तो आपका मन के अंदर की शक्तियां जागृत हो जाएंगी. किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आपका अंदर एकदम क्लियर होगा कि ये करना है और ये नहीं करना, ये ठीक है तो करो. हमारे अंदर इन दिव्य शक्तियों को जागृत कर किया जा सकता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है. सच तो ये है, सच तो ये है. बड़ा खतरनाक सच है जो कहने लगी हूँ, पर सच तो ये है, अगर तुम ठीक से साधना करने लग जाओ तो फिर जो चाहोगे वो होगा, जो चाहोगे वो होगा. ये नहीं के क्वेश्चन नहीं है इसमें कि होएगा कि नहीं होएगा. The amount of sadhana which you do will lay down the ground rules. When once you have awakened your intuitive powers, your divine powers will awaken, and then whatever you will think, because usually your mind is calm and quiet and no thought and no desire. But then when in this mind, which is thoughtless, which is desireless, even if one thought will arise, then whatever that thought is will get actuated, will become a reality.
जो सोचेगा वो होने लग जाएगा, जो चाहेगा वो होने लग जाएगा। अब मेरे को पता है आपको सुन के लगता अच्छा फिर तो लॉटरी भी खुल जाएगी हैं, फिर हमारे फलाने रिश्तेदार का जो सिटीजनशिप का है वो भी काम हो जाएगा। कहाँ राजा अपनी गद्दी तुम्हें देना चाहे और कहाँ एक किसान जिसको राजा ने ये प्रॉमिस दिया था कि कभी तेरी कोई ज़रूरत हो तो आना मेरे पास। क्योंकि एक बार वो मुश्किल में था राजा, तो किसान ने उसकी मदद की थी, तो राजा ने अपनी एक अंगूठी उसे दे दी, बोले कभी तेरे ज़रूरत पड़े तो ये दिखा के आ जाना, जो चाहोगे वो हो जाएगा। सालों बीत गए, फिर अकाल हो गया, द फैमिन इन स्ट्रक इन हिज एरिया, सो एवरीथिंग वॉज ऑल गॉन, ऑल एग्रीकल्चर गॉट डिस्ट्रॉयड। एंड देन सडनली ही रिमाइंडेड, ओ माई किंग हैड गिवन मी दैट रिंग एंड इफ आई गो टू हिम ही विल हेल्प मी, सो ही वेंट ऑल द वे टू द किंग्स पैलेस and took an appointment, and finally he meets the king, and king says, okay, what can I do for you? He said, I need 10 bullock carts filled with grass for my cows and bulls. Raja said, I should better kill you, you stupid fellow. The ring which you have is worth 10 lakh rupees. And you come to me, and I thought maybe you need more than 10 lakh rupees. And you come and you ask this grass for your cows and bull. You're a stupid person. You don't even know what you have in your hand. Now you might wonder why I am saying this story, because you are that farmer. You are that person who goes to temples and gurdwaras, Bhagwan, Bhagwan, nokri de de, chokri de de, shandi de de, pagal aadmi. भगवान आप तुझे मिलने को तैयार बैठा है और तू कहते वो नौकरी दे दे, तो पागल नहीं हो तो फिर क्या हो? जब मैं कहती हूं जो चाहोगे वो हो जाएगा, तो चाहत तो एक ही होनी चाहिए, मांगना मांगन नीका हर जस गुरते मांगना। मांगो तो ये कि प्रभु तेरे प्यार में हम कैसे भर जाएं, हम तेरे साथ कैसे जुड़ जाएं, तू मेरा और मैं तेरा कैसे हो जाऊं। मांगने लायक तो सिर्फ यही है। और फिर जा तू मेरे वल है तो क्या मोछंदा, तू सब किछ मैनू सौंपया, जा तेरा बंदा लखमी तोट ना आ बई काय खर्च रहंदा। क्या कमी है भक्त को, पैसे की किसकी कमी? भक्त से पूछो, आप पुराण की जितनी मर्जी कहानियां पढ़ लो, ध्रुव है प्रहलाद है, वो कहते भगवान प्रकट हुए, भगवान कहते मांगो, वो कहते कुछ नहीं चाहिए, वो कहते मांगो, बोले कुछ नहीं चाहिए, अरे कुछ तो मांगो, बोले कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहते भगवान भी हार जाते हैं ऐसे भक्त से कि क्या दूं तुझे मैं। अब भक्त कहता है जिसे तू मिल गया प्रभु से और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा तृप्त और संतुष्ट हमारा मन हो सकता है? तो कृपया साधना करें, जिंदगी का असल लाभ इसी में है, साधना करें, प्रभु प्रीति लाएं, भक्ति को जीवन में लाएं, और रोते ना रहा करो, और लोगों से चिढ़ते ना रहा करो, और लोगों को चिढ़ाया भी मत करो। हाँ, करते शरारते तुम हो और बोलेंगे दुनिया बड़ी पैड़ी, मेरे पीछे पे ही रहती, मैं कुड़ी है तू ही हो पैड़ी है, दुनिया नहीं पैड़ी। अगर दुनिया पैड़ी होंगी तो साढ़े वास्ते भी होंगी ना, साढ़े लिए तो दुनिया बहुत चंगी है। बी गुड, गुड विल कम टू यू, एंड इफ यू आर गुड एंड से इवन गुड डजंट कम्स इन योर वे, यू विल बी स्टिल इन अ बेटर पोजिशन बिकॉज यू हैव द गुडनेस इन यू। Last one small story. One artist was performing and a very eminent person was sitting and watching the show. It was a drama in which the character is playing a villain who is trying to insult and molest a woman. And the scene was getting so realistic
that this eminent person totally forgot that it is a drama. He pulled out his shoe and hit the actor. Now suddenly everybody was shocked. What is this? It is a drama. And the actor took that shoe and he said, "Sir, this will be a great memory for me that such an intelligent person forgot that it is a drama and wanted to beat me up with his shoe. So if possible, you can give me the other shoe also then." This is the magic of being good. There are no adversities then left in your life. Jab hum acche hain, jab hum prem mein hain, jab hum bhakti mein hain, हमारे जीवन में कुछ बुरा नहीं होता. एक ने कहा, लो जी हमारा तो बेटा मर गया, ये बुरी नहीं बात हुई. अरे भाई, कौन नहीं मरा जो जन्मा है, तो इसमें बुरी बात क्या है? ये तो घटना है जो घट गई. तुम लिखो आके लाए हो कि तुम अजर अमर अविनाशी हो. रावण नहीं है, कंस नहीं है, तुम क्या हो? वो तो तपस्वी थे, विद्वान थे, तुम तो कुछ भी नहीं हो. तो मौत है, बीमारी है, गरीबी है, ये कोई त्रासदी नहीं होती है. सबसे बड़ा दुख ये है जब हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं. सबसे बड़ा दुख ये है. सो फिल योर माइंड विद लव एंड डू साधना एंड लर्न साधना एंड फील ब्लेस्ड एंड सेलिब्रेट दिस लाइफ विच यू हैव. परमात्मा आप सबके जीवन में आनंद, प्रेम, खुशी, स्वास्थ्य ये दें. और तुम खूब साधना करो और खूब ईश्वर से अपने मन को जोड़ो. मैं आखिर में आप सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ.